तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल पर। ये मेरा फेस कैम वीडियो पहला ही है। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं कि भारत की दूरसंचार विभाग का एक वेबसाइट है, जिस वेबसाइट पर जाके आप अपने नाम से जुड़े हर सिम का पता कर सकते हैं और उस सिम को वहां पे कंप्लेंट रेज करके जो आपके रिक्वायरमेंट नहीं है उसको हटा भी सकते हैं। तो उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो इस वीडियो पे एक लाइक जरूर करिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिएगा। आज का मौसम इस तरह का है, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको मैं फेस कैम वीडियो करके दिखाऊं। तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए आ जाते हैं अपने वीडियो पे। तो दोस्तों, हम आ जाएंगे गूगल पे और यहाँ पे हमको सर्च कर लेना है टैफकॉप, TAFCOP, ये सर्च कर लेना है। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है और जो पहली वेबसाइट आएगी उस पर हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, टैफकॉप कंज्यूमर पोर्टल, इस पर हम क्लिक कर देंगे। हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पे देखिए हमको बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं कि ये कहाँ कहाँ के लिए है, लेकिन ये चेक आपके यहाँ का भी कर देगा। मैं यूपी से हूँ और मैं यहाँ का चेक कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जहाँ पे नंबर डालना है वहाँ पे नंबर डाल देंगे जो मोबाइल नंबर से आपको चेक करना है, और रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक कर देना है। मैंने कर दिया है। अब यहाँ पे जो OTP आएगा उसका वेट करिए, कभी कभी समय लग जाता है। तो जैसे ही OTP आएगा आपको वो यहाँ पे फिल कर देना है। देखिए मेरा OTP आ गया है। अब हम इसके अंक जो है यहाँ पे डाल देंगे और डालने के बाद हम वैलिडेट कर देंगे। तो वैलिडेट करने के बाद देखिए इस तरह का लिख के आ जाएगा, यू मे चूज़ टू सेलेक्ट द नंबर्स दैट आर नॉट इन योर नेम आर नॉट रिक्वायर्ड एंड सबमिट योर रिपोर्ट। बता रहा है कि जो नंबर आपके नहीं हैं उनका नाम आप लिखिए और उनको सबमिट कर दीजिए जो आपकी आवश्यकता नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है। तो नीचे वाला नंबर तो मेरा ही है जो आपको दिख रहा है, लेकिन जो पहला वाला नंबर है जो 73 से है, ठीक है, वो मेरा नंबर नहीं है। तो उसको मुझे बंद करवाना है, यानी उसके खिलाफ मुझे जो है कंप्लेंट रजिस्टर करनी है, रेज करनी है। तो वहाँ पर टिक कर देना है मुझे, यानी मैंने टिक कर दिया है। आपको भी इसी तरह से करना है। यहाँ पर तीन ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, उसमें से जो नॉट इंटरेस्टेड यानी नॉट रिक्वायर्ड वाला ऑप्शन है, सॉरी नॉट रिक्वायर्ड जो लिखा है उस पर मैं क्लिक कर दूंगा। और क्लिक करने के बाद जो है मैं नीचे आ जाऊंगा और रिपोर्ट वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक कर दूंगा। ये नॉट रिक्वायर्ड पर क्लिक करके आपको क्या करना है, नाम भरना है। तो यहाँ पर मैं अपना नाम जो है भरे दे रहा हूँ। ये पूरा नाम आपको भरना है जो आपके आधार कार्ड में लिखा गया है, ठीक है। तो मैंने पूरा नाम अपना लिख दिया। अब मैं नीचे बिल्कुल जाऊंगा और यहाँ पे रिपोर्ट का ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो जैसे आप रिपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए इस तरह का लिख के आ जाएगा कि रिपोर्ट आपकी जो है सबमिट हो गई है। एक OTP भी आ जाएगा वो, और आपका जो स्टेटस नंबर यानी रेफरेंस नंबर भी आ जाएगा, उससे आप चेक कर सकते हैं। तो चेक कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं वो नंबर डाल दूँगा, ठीक है। वो नंबर डालने के बाद देखिए इस तरह से ये रिक्वेस्ट पेंडिंग लिख के आ जाएगी। तो वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।